morning, student. Today I will start revision of chapter number 1 and the chapter name is sentences. और कल आपका टेस्ट है, so I hope you सारे students prepare होंगे for your test. Good luck for your test, students. And first of all, I will introduce the definition of sentence. आपको बताऊंगी मैं सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप, क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, वर्ड्स से मिलकर बनता है. देखो वर्ड्स का मीन्स क्या हो गया, कोई भी एक वन अल्फाबेट लेटर कौन सा होता है, अल्फाबेट किसी भी अल्फाबेट लेटर से एक से ज्यादा अल्फाबेट लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनता है. जैसे ये क्या होगा, एक वर्ड है रिवीजन, ये वर्ड है स्कूल, ये वर्ड है. तो यहाँ पे अल्फाबेट लेटर्स का यूज हो रहा है ना, जैसे ये आर अल्फाबेट लेटर है, ई अल्फाबेट लेटर है, वी लेटर है, ठीक है. तो एक वर्ड जो बनता है वो अल्फाबेट लेटर्स से बनता है, ठीक है. और जो एक सेंटेंस बनता है वो किससे बनता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, यानी एक से ज्यादा वर्ड्स मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ भी वर्ड्स, एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं अगर किसी में, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा, वो एक करेक्ट सेंटेंस नहीं बनेगा. उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हुए भी वो एक सेंटेंस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज उसका एक कुछ ना कुछ एक कंप्लीट सेंस, एक मीनिंगफुल सेंस भी होना चाहिए, ठीक है. मेरी बात आपको आ गई समझ में. सबसे फर्स्ट क्या देखना है आपको, कि उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो. देन उसके अलावा आपको सेकंड थिंग्स ये देखनी है कि उसका कुछ ना कुछ एक मीनिंगफुल मतलब निकलता है हो. मीनिंगफुल मतलब का मतलब उसका कोई मीन्स निकलता हो. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एम अ गर्ल, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का मीन समझ आ गया, जिसमें एक से ज्यादा लेटर से जो बनेगा वो होगा वर्ड. एम वर्ड हो गया, इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे बिकॉज ये सिर्फ सिंगल लेटर है, ये वर्ड हो गया, ठीक है. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट इज डेफिनेशन भी क्या ध्यान रखनी है, सेंटेंस की ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक से ज्यादा वर्ड है, बट सेकेंड थिंग्स क्या देखनी है कि उसका कोई मीनिंगफुल सेंस निकलना चाहिए, उसका कोई मतलब निकलना चाहिए. एम अ गर्ल आई, ये तो कोई भी मतलब नहीं निकल रहा. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, ओके. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेकेंड थिंग मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है. तो एक मतलब निकलना चाहिए. समझ में आ गया डेफिनेशन में क्या, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज्यादा वर्ड्स के ग्रुप दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो क्या है, जिससे क्या बनता है, कंप्लीट सेंस निकलता हो. कंप्लीट सेंस का मतलब उसका कोई मतलब निकलता हो, इज कॉल्ड अ सेंटेंस. उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे. आपका इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, देन फिलिंग द ब्लैंक्स. एंड ऑप्शंस गिवन हो, नहीं भी गिवन हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसका कोई मतलब हो, निकलता हो, कंप्लीट सेंस निकलता हो, क्या होगा वो, क्या होगा सेंटेंस, क्या कहेंगे उसको, ऐसे को सेंटेंस. समझ आ गई आपको बात. नेक्स्ट आपको मैंने सेकंड टॉपिक बता दिया मैंने कि क्या होगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो सेंटेंस है या नहीं है. ये कोई सेंटेंस नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका कोई मीनिंगफुल मीन्स नहीं निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस नहीं है, इनकरेक्ट सेंटेंस है. एंड इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, देन मतलब भी निकल रहा है उसका, तो ये एक कंप्लीट राइट सेंटेंस है, ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यानी सेंटेंस के क्या पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ
parts. There are two parts of a sentence. कितने parts होते हैं? Two parts. कितने parts होंगे sentence के? Two parts. आ गया समझ में? First is subject. Second is predicate. First is subject and second is predicate. There are two parts of a sentence. First is subject. Second is predicate. Subject जिसके बारे में सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसके बारे में सेंटेंस होता है वो होता है और स्टार्टिंग में ही इसका यूज होता है, ठीक है. आई एम अ गर्ल, ये मेरे बारे में है सेंटेंस. जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में वो होगा सब्जेक्ट और वो स्टार्टिंग में होता है, ठीक है. ये हो गया सब्जेक्ट. रिमेनिंग जो बचेगा वो होगा प्रेडिकेट. ये हो गया सब्जेक्ट और रिमेनिंग जो बच रहा है वो क्या होगा? प्रेडिकेट. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होगा? प्रेडिकेट. सेकंड चीज आपको ये ध्यान रखनी है, कोई भी सेंटेंस होगा ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टार्टिंग, कोई भी सेंटेंस होगा तो उसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर्स से होगी. एंड अगर वो सिंपल सेंटेंस है, यानी ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन वगैरह या कुछ ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको एंड किसके साथ करना है? फुल स्टॉप के साथ. ये डॉट लगाने को हम क्या कहते हैं? फुल स्टॉप. हमेशा फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल एंड विथ फुल स्टॉप. बिगिंस विथ कैपिटल लेटर एंड विथ फुल स्टॉप, ठीक है. इसके अलावा जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, फॉर द एग्जाम्पल वॉच आर, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. यहाँ पे ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम क्या कर रहे हो. क्वेश्चन की जब भी बात होती है तो हम उसमें लगाते हैं एंड में उसके लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. ये क्या होता है? क्वेश्चन मार्क. वो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, कि तुम्हारा तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है. वो क्वेश्चन कर रहा है तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क एंड में. तो ऐसे सेंटेंस जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क हो, तो इस क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे इनको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके. जिनके एंड में इस टाइप के सेंटेंस को कहेंगे, जिनके एंड में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ये आपके चैप्टर में बस इतना ही है, ओके. आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. ऐसा सेंटेंस का मींस जिसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और जिसका कोई कंप्लीट सेंस निकलता हो, कुछ मतलब निकलता हो, वो होते हैं सेंटेंस. उसके दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट. स्टार्टिंग में सेंटेंस में जिसके बारे में होता है और जो स्टार्टिंग में होता है वो होता है सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट, ठीक है. नेक्स्ट, इसके अलावा हमेशा बिगिंस यानी स्टार्टिंग लेटर जो होता है कैपिटल होता है और एंड हमेशा फुल स्टॉप के साथ होती है. देन इसके अलावा क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो ईच स्टूडेंट रीड चैप्टर 1 एंड ऑल्सो चैप्टर 2, बिकॉज आपके चैप्टर 1 एंड 2 आपकी कल टेस्ट में आएंगे, एंड ऑल्सो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर इन योर रीडर बुक, ठीक है, रीडर बुक में भी आएंगे. तो लर्न करना है आपको.